बीते दिन बॉर्डर संघर्ष समिति के नेताओं और हुए पर्चे को लेकर गांव भंपला हाजी में पुलिस और प्रशासन खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके बॉर्डर संघर्ष समिति के नेता गुलजार सिंह और गुरदीप सिंह ने बताया कि कटीली तार से पार लगभग 1100 एकड़ जमीन का क्षेत्रफल है। इस जमीन की हम कई सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जमीन सरकार ने हमें सन 1960 से 1962 में अलर्ट की थी और इस जमीन पर हमारा हक बनता है, यह जमीन या तो हमें दी जाए या सरकार इस जमीन को अपने कब्जे में ले। जी साड़ी जमीन जो के कुछ सालों तो पहले सन 60-62 दे सानू लाट हुई सी, ये जमीन जड़िया ने कुछ दरिया ने अपने कब्जे च लैके परले पासे कर दित्तिया। हुण असी कई सालों तो इस जमीन की मंग कर रहे भी ये जड़ी जमीन साड़ी है जा तो सानू मिले तो जा सरकार अपने कब्जे च रखे। ये जड़ी जमीन 1100 किला करीबन हैगी है, ये तीन पिंड ने, तिना पिंड तेलूमल दोना महल टुकड़ा तो गुंदू कुलचा ठाड़ तो कुछ ताड़ की भी पैंती जमीन। ये जमीन जी अही कई साल तो बार्डर चर्च कमेटी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पर साढ़े तो कई बार झूठे परचे भी कराए गए ने। असी ये सरकार नूं मंग करने भी इस जमीन पर पक्का इंतजाम किया जाए तो इनू रोकया जाए, सरकार आदि कब्जे च रखे, अही इन्हों की मदद करने, अही लखां रुपये ला के इस जमीन की राखी कर रहे हैं। लोग जी कोई तो फाजिलका तो आया है, कोई मुक्तसर तो आया है, कोई साढ़े इलाके है ने बंदे, उन्होंने इस जमीन पर कब्जे किए ने, 200-300 किले तो करना चाहते हैं पर असी कर नहीं देना। असी डी सी साहब दे नोटिस गल है, जेल मंत्री भी इतने मौके पर आया है, रंधावा साहब एस डी ओ भी इतने मौके पर कई बार दफा आ रहे हैं, पर कमिश्नर साहब वो भी आया है, उन्हें भी रोकया भी कोई भी इस जमीन पर हल चला नहीं करेगा। पर अज फिर भी अज थोड़े दिन होए ने साढ़े तो 30 तरीक नजायज परचे किए गए हैं। ये जड़े परचे ने इतने जमीन पारू आ रहे हैं, आप ही ड्रामाबाजी बना के साडे बंदे नाले सट्टा ला गए ने, नाले भजन की खातर जाते आप वजे ने मोटरसाइकलों उन्हां दी बाहां ते हटण लग गईआं ने, ते साडे ते एवें नजायज असी कोई गुरु साल कोई परोही पर कोई किते वांडे गए, साडे बहुत बारा बंदा दे सारिआं दे इन्हां ने परचे कराते ने जी। ये इत्थे मौका वेखते अफसर ते इहनूं कैंसल करन परचे नूं ते जमीन की राखी करन, ते जो कि पिछले 10-12 सालों तो साडा झगड़ा चल रहा जमीन का, जो भू माफिया दे लोग कब्जा करना चाहते ने पार दी जमीन ते, कई बारी डी सी एस डी एम कमिश्नर साहब अंदर जाके मौका वेख के उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, पर वो मिली भुगत होने के कारण जरा माल महकमे का वह भी रलिया वै, वो एस एच ओ ममदोट रिसीवर ने उस जमीन दे और तहसीलदार नायब ममदोट वह भी रिसीवर ने इस जमीन दे, जमीन रोक नहीं रहे, जो कि सरकार ने अपने हाई कोर्ट के आर्डर और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के नाल उन्होंने इन्हों की गरदौरियाँ और डिग्रियां खत्म करती ने, हम इन दे कार्ड कैंसल होने चाहिए ही, पर BSF कैंसल नहीं कार्ड कर रही इन्हों की, वार बार अं बेनती करने के बावजूद और MLA साहब ने भी बहुत बारी मैडम सत्कार कौर गहरी ने बेनती की, डी साहब ने भी की, कमिश्नर साहब ने भी की, वार बार फोन लाने पर इन्होंने गल एक नहीं सुनी प्रशासन ने, और जसवंत सिंह लाडो जो पिछली 30 तरीक इन बदलिया गया है, ये मंग करते हैं DGP साहब, पंजाब पुलिस और मुख्यमंत्री साहब न और पार्टी प्रधान सुनील कुमार जाखड़ यह बेनती करने भी जिथे पंजा पिंडा की एकता लोगों का एकता उत्थे साड़ी गल सुनी नहीं जा रही। असी सारिया पार्टियां यह बेनती करते हैं भी साड़ी पंजा पिंडा की जी जमीन है 1100 एकड़, इन पिंडा वाले लोगों की जमीन है, पिछे टट्ठी बजुर्गों की जमीन है, जो पाकिस्तान 1947 की वंड तो बाद 62 इतने जमीन लाड की गई ही, लोग साधन ना होने कारण कामयाब नहीं हो सके। असी यो पूर्ज और मांग करते सरकार तो प्रशासन तो DC तो भी आप मौके पर आके वेखो जमीन दोबारा फिर उन्होंने वाहती है, तुम कब्जा भी लिया है 19 तरीक न, सब कुछ किया है, कानूगो साहब की ड्यूटी लगी है, पटवारी की लगी भी उन्होंने सपुरदारी है, पर नायब तहसीलदार और किड़ा SHO ममदोट है पुलिस प्रशासन कोई बंद की गल नहीं सुन लिया, उल्टा साढ़े तो परचे जो झूठे किए ने उन्होंने परचे साढ़े तो कर दते हैं, पर किड़े साढ़े क्रॉस परचा करना अभी तक नहीं किया। असी यही मांग है
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਡੀਸਾ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾਵਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। एन स्टार न्यूज के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।